बच्चों, हम आज अनुलेखन का अभ्यास आगे करेंगे। पिछले तास में हमने वही किया था अनुलेखन, उसमें हमने शब्दों का अनुलेखन सीखा, उसके बाद वाक्य का अनुलेखन सीखा। तो उसी पाठ में आज हम आगे अभ्यास सीखेंगे। आज हम हिंदी वाक्य और उसका गुजराती अनुवाद पढ़ो और लिखो। उसमें हम हिंदी वाक्य अने तेनु गुजराती भाषांतर वाचो अने लखो। मतलब बच्चों, जो हिंदी वाक्य है उसका हमें अनुवाद गुजराती में सीखना है। जैसे कि मेरे हाथ में यह चोक है, यह चोक है, तो उसका गुजराती हुआ आ चोक छे। यह का मतलब आ, चोक का चोक, और हे का छे, आ चोक छे। यह पेन, यह कलम है, आ पेन छे। यह किताब मेरी है, आ पुस्तक मारू छे। यह घड़ी है, आ घड़ियाल छे। देखा बच्चों, इसी तरह हिंदी का हम गुजराती अनुवाद आज सीखेंगे। तो अब हम लिखकर सीखते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, विद्यार्थी, हु। और बच्चों हिंदी का पूर्ण विराम हम ये सीधी डंडी से करेंगे, ये हमारा हिंदी का पूर्ण विराम है। तो अब हम उसका गुजराती अनुवाद सीखेंगे। जैसे कि ये मैं है, तो उसका गुजराती क्या करेंगे, हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे, मैं का गुजराती हूँ, विद्यार्थी का गुजराती विद्यार्थी, और गुजराती का पूर्ण विराम हम ऐसे करेंगे। तो अब हमारा वाक्य बन गया, हूँ विद्यार्थी छू। हिंदी में बोले मैं विद्यार्थी हूँ, और उसका गुजराती अनुवाद हूँ विद्यार्थी छू। देखा बच्चों, इसी तरह हम आगे अभ्यास देखते हैं। मेरा स्कूल
अच्छा है। अभी फिर से मैं याद दिला दूं, ये हमारी सीधी डंडी पूर्ण विराम है हिंदी का। तो अब इस वाक्य का अब हम गुजराती में अनुवाद सीखेंगे। मेरा नाम गुजराती है मारी। स्कूल का शाला। अच्छा का साड़ी। और ये का छे। ये हमारा गुजराती का पूर्ण विराम हुआ। मारी सारा सारी छे। हिंदी में मेरा स्कूल अच्छा है। गुजराती में मारी सारा सारी छे। गेंद। छोटी है यह गेंद, छोटी है। अब हम इसका गुजराती अनुवाद सीखेंगे। यह का मतलब आ, गेंद यानी दड़ो, छोटी यानी नानो, और ये का छे। तो अब हम लिखेंगे आ दड़ो नानो छे। आ दड़ो नानो छे। हिंदी में बोलेंगे यह गेंद छोटी है। गुजराती में अनुवाद आ दड़ो नानो छे। देखो बच्चों, इसको हम एक बार और बोलेंगे। मैं विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी छू। यह हमारा हिंदी का वाक्य हुआ। यह गुजराती का वाक्य हुआ। मैं का हूँ, विद्यार्थी का विद्यार्थी, और हूँ का छू। हूँ विद्यार्थी छू। फिर दूसरा वाक्य, मेरा स्कूल अच्छा है। उसको गुजराती में कैसे बोलते हैं? मारी सारा सारी छे। मेरा का मारी, स्कूल का सारा, अच्छा का सारी, और ये का क्या हुआ? छे। मारी सारा सारी छे। यह गेंद छोटी है। तो गुजराती में आ दड़ो नानो छे। यह का आ हुआ, गेंद का दड़ो, छोटी का नानो, और ये का छे। आ दड़ो नानो छे। देखो बच्चों, इसी तरह आप पाठ्य पुस्तक में और वाक्य का अभ्यास सीख सकते हैं। जैसे कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में यह दिया है,
सतीश हूँ, मैं सतीश हूँ, तो उसका गुजराती हूँ सतीश छु, क्या बोलेंगे बच्चों? हूँ सतीश छु, तुम दीपाली हो, तू दीपाली छे, मैं विद्यार्थी हूँ, वो वाक्य हमने लिखकर सीखा। मैं विद्यार्थी हूँ, हूँ विद्यार्थी छु, यह लड़का है, आ छोकरो छे। आगे देखे तो वह लड़की है, यहाँ पर वह का क्या हुआ? ते, तो ते छोकरी छे, यह का आ होता है और वह का ते, तो ते छोकरी छे। देखो बच्चों, इसी तरह आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में हिंदी और गुजराती का अनुलेखन कर लेना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।